किसी को सरप्राइज गिफ्ट करें। इसका सरफेस बिल्कुल हाई पॉलिश्ड है। ये हमारा एंटीक कलेक्शन है सर, झुमकों बिहार में है और छठ का जिक्र ना हो। इस फेस्टिव सीजन में कौन कौन से ऑफर्स चल रहे हैं? नए तरह के बैंगल्स आए हैं सर। हम लोग पहुंच चुके हैं और मास्क हटा देता हूँ, इसको पहन के बात करने बहुत दिक्कत होती है यार। हम लोग पहुंच चुके हैं तनिष्क, और ये तनिष्क जो है ना, ये कंकड़बाग मेन रोड पर जो तनिष्क है, इस वाले जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर के पास वाला। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, और अगर आपको कुछ ख़रीदारी करने का मन करे तो फिर समझ में नहीं आता कि आगे खरीदे क्या। लेकिन गोल्ड और जो ज्वेलरी है, दीज आर द बेटर इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ यहाँ से परचेज़ किया जाए, और देखते हैं कि किस किस तरह के कलेक्शन है, जो ऑफर आए हैं वो अपने लिए कितने फ़ायदेमंद है। भाई साहब बने रहिएगा, मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी मज़ा आने वाला है। तो अभी चलते हैं अंदर। भाई साहब अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज़ पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, कोविड है, तो कोविड के लिए प्रिकॉशन ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ प्रिकॉशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपके हैंड को सैनिटाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आपको बॉडी टेम्परेचर देखेंगे। अभी देखते हैं भाई साहब क्या क्या स्पेशल है, क्या ऑफर है, और हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। नमस्ते सर, तनिष्क में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जैसे ही अंदर आए ना, तो सोम भाई मिले हमें, और इन्होंने बहुत गर्म जोशी से स्वागत किया यार, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अभी इनसे जानते हैं ना कि मैं तनिष्क में क्यों है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या कुछ परचेज करना है, और सोम भाई से जानते हैं। सोम भाई आप बताइए कि मैं तनिष्क में क्यों आऊँगा। तनिष्क में सबसे पहले सर कि टाटा की गारंटी है आपको यहाँ मिलती है, और जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे गोल्ड या डायमंड खरीदते हैं पूरे ही श्योरिटी के साथ आप ले सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे शुद्धता की आपको गारंटी है। इसके अलावा सर आपको यहाँ पे बहुत सारा एक बड़ा रेंज मिलेगा ज्वेलरी का। पोस्ट कर लीजिए कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं तनिष्क में आ सकता हूँ? टेंशन फ्री हो गए? बिल्कुल सर, आप टेंशन तो नहीं कि इतना लाइट वेट लगा रखा है, बड़ा सा शॉप है, तो मैं देख करके दूसरे लोकल सुनार के पास चला जाऊंगा? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास हर रेंज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग रेंज है हमारा मेकिंग के लिए 8% से स्टार्ट है, और आपको हायर 30% मीन्स इसका मतलब ये है कि एफोर्डेबल रेंज से लेके लग्जरी रेंज तक हमारे पास। हम लग्जरी भी देखेंगे, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास हूँ, तो पहले अफोर्डेबल रेंज ही देख लेते हैं। किसी को सरप्राइज गिफ्ट करना है? देखिए सर, गिफ्टिंग के लिए अभी हमारी कंपनी ने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, स्टनिंग एवरी ईयर। हर इंडियन लेडी के जो इयर रिंग्स हैं वो काफी स्टाइलिश और स्टनिंग रहे। इयर रिंग में सबसे खास बात होती है, इसमें साइज का इशू नहीं होता। जैसे आप किसी को फिंगर रिंग वगैरह गिफ्ट करते हैं तो आपको साइज पता होना चाहिए उनका। इसमें साइज मैटर नहीं करता? इयर रिंग में आपको साइज मैटर नहीं करता। तो ये सारी इयर रिंग्स है, इसमें आप क्या क्या बता रहे थे? रोज गोल्ड भी है। देखिए ये वाली इयर रिंग आपको रोज गोल्ड में है। अच्छा। और ये वाली आपकी येलो गोल्ड में है, 18 कैरेट्स में है, 14 कैरेट का भी कलेक्शन हमारे पास रखा हुआ, जो इटालियन डिजाइन आ रहे हैं आजकल, मतलब आपको हर तरह की इयर रिंग्स अवेलेबल हैं। मतलब मैं जैसा चाहूँगा मुझे मिल जाएगा? बिल्कुल सर, जो कुंदन फूल की आपका डायमंड होता है ओके, उसमें भी आपको इयर रिंग्स अवेलेबल है। एंटीक कलेक्शन है, टेंपल कलेक्शन भी जिसे बोला जाता है, मीनाकारी का अच्छा वर्क मिलेगा। ये देखिए इस तरह का इटालियन डिजाइन भी है हमारे पास। तो अभी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैं किसके लिए देख रहा हूँ। तुम भाई बता रहे कि एक्सक्लूसिव तनिष्क का एक्सक्लूसिव ये आपका 18 कैरेट में डिजाइन है सर, जो कि रोज गोल्ड जी रोज गोल्ड में है ये, और इसका सरफेस बिल्कुल हाई पॉलिश्ड है। ये हमारा एंटीक कलेक्शन है सर झुमकों में। ये रहा तनिष्क का एंटीक कलेक्शन, ये आपका रेड एंटीक पॉलिश हो गया सर ओके, ये आपका येलो एंटीक में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक एंटीक पॉलिश की भी जो है ओके। अरे सोम भाई एक चीज बताइए कि मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम का तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैक्सिमम तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मिनिमम बताइए। मिनिमम अगर कुछ परचेज करना है तो मिनिमम प्राइस क्या होगा? इयर रिंग में स्पेशली आप देखते हैं सर, तो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज 5,000 से है, हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से आपको मिल जाएंगे ओके ओके। बिहार में है और छठ का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो तनिष्क है यहाँ पर आया तो मुझे एक स्पेशल चीज़ देखने को मिली, शायद मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि कुछ इस तरह का भी क्रिएशन किया जा सकता है जो कि एकदम दिल से जुड़ा हो, क्योंकि एवरी बिहारी जो होता है ना उसको छठ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो सूप समझ रहे हैं ना, सूप जिसमें अर्घ देने के वक्त में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, वो भी गोल्ड का है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग रेंज
है 10,000। अच्छा। और आपको मैक्सिमम 40 लाख तक का सूप अवेलेबल है हमारे पास। तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन है ये, छठ को लेकर के आप छठ में स्पेशली खरीद सकते हो। और ये कलेक्शन बहुत ही डिफरेंट है यहाँ के लिए। तो वी आर द मिडिल ऑफ द स्टोर। और सोम भाई, प्योरिटी की बात आप कर रहे थे, मैं कैसे आपकी प्योरिटी को जज करूँ? सर हमारे पास कैरेट मीटर है। अच्छा। यहाँ पे हर तरह का गोल्ड आप चेक कर सकते हैं, जैसे अच्छा, कि आपको गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड है और कितना परसेंट उसमें दूसरा मेटल एलॉय किया हुआ okay. है, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आप मुझे कैसे दिखाएंगे, वो मीटर आपको कैसा दिखता है? ये जी सर ये कैरेट मीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैरेट मीटर है, जो कि ये जज करता है, ये बताता है कि आपका गोल्ड कितना प्योर है। जी सर मुझे दिखाइए जरा एक बार टेस्ट करके। तो ये आ गया एक गोल्ड का बना हुआ, तो रख दिया एक कैरेट मीटर में। सर स्कैन जिसमें आपका गोल्ड स्कैन होगा। ओके, वो गोल्ड आप सामने स्क्रीन पे आपको विजिबल है। 3, 2, 1 यहाँ आपको गोल्ड की प्योरिटी दिखाया है। ओके 91.9% तो मैं भी चाहूँ तो चेक करा सकता हूँ। जी सर आप आपका खुद का गोल्ड भी चेक करा सकते हैं, जो आपने अच्छा। दूसरी जगह परचेज किया था उसकी क्या प्योरिटी है। अच्छा, हम अच्छा। आपने जो यहाँ से खरीदा वो भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या चीज लिया है, उसमें क्या कितनी शुद्धता है उस। तो ये पहुँच गए हम लोग कारीगर रूम में। यहाँ पे सब मशीनरी लगाई गई है, और जहाँ पर मशीनरी से आपको पॉलिशिंग होती है, सर्विसिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे पॉलिश मशीन जिसमें फिंगर रिंग वगैरह पॉलिश होता है। ओके ये हमारा अल्ट्रासोनिक मशीन है, जो डायमंड वगैरह आपको क्लीन होता है। ओके और ये हमारा की ज्वेलरी क्लीन कोई भी तरह की ज्वेलरी आप करवा सकते हैं। अच्छा यह प्रेशर मशीन है, इसमें डायमंड वगैरह जितने भी गोल्ड का डस्ट वगैरह जो है इस प्रेशर से आपका इसमें आपका आप अपना सैनिटाइज कर सकते हैं। अच्छा ओके जो भी कस्टमर अपने गोल्ड को क्लीन कराने आता है, सर्विसिंग कराने आता है, तो इसको पहले सैनिटाइज किया जाता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देखते हो तो आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलती हैं, जिसमें कि सबसे पहला था कैरेट मीटर, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और मैं फर्स्ट टाइम कारीगर रूम में भी गया था। सबसे मेन चीज़ है ऑफर्स। इस फेस्टिव सीजन में कौन कौन से ऑफर्स चल रहे हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या वेडिंग जोन है। अच्छा, यहाँ पे आपको वेडिंग रिलेटेड सारी ज्वेलरीज अवेलेबल है। नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है सांच कलेक्शन, देख सकते हैं ये सब कुंदन पोलकी के पीसेस हैं एंटिक पॉलिश के साथ। डायमंड में नया लॉन्च हुआ है ये भी, तो हमारा एक ऑफर भी स्टार्ट है जो धनतेरस तक चलेगा। क्यों बात कर रहा था ना, वो आखिरकार आएगी ऑफर। सर अप टू 25% हमारे पास ऑफर रनिंग है जो धनतेरस तक चलेगा, गोल्ड के मेकिंग चार्जेस पे और डायमंड के वैल्यू पे। तो भाई साहब मतलब 25% का खुल्लम खुल्ला छूट मिल रहा है, इतना सारा कलेक्शन लगा रख दिया यार, तो एकदम क्या है बताइए जरा। इसमें आपको कलकत्ता की कारीगरी यूज हुई है, पाइप के बेसिकली पाइप के ऊपर कारीगरी की जाती है। आपको ज्यादा साउथ में देखेंगे, साउथ साइड में जाएंगे तो इस तरह का एंटीक वर्क देखने को मिलेगा। सर ये फ्री साइज है, ये स्क्रू से ऐसे ओपन होगा, मतलब आपकी कलाई मोटी है पतली उससे मतलब नहीं। जी सर वो किसी भी हाथ में फिट हो जाए। नए तरह के बैंगल्स आए हैं सर, ये मैग्नेटिक बैंगल्स है, सारे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अच्छा, वैसे ये देखिए सिंगल सिंगल बैंगल्स भी आप पहन सकते हैं। हम लोग ज्वेलरी खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसे बेचने जाते हैं या फिर सेल करने जाते हैं, तो जैसा मैं फील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा डर होता है ना कि उसका रीसेल वैल्यू क्या होगा, उसमें कितना मतलब लोकल लैंग्वेज कहें तो टाकी कितना कटेगा और कितना परसेंट जो है ना कि सुनार अपने यहाँ रख लेगा। तो इस बारे में भी तनिष्क में एक नई चीज़ मुझे जानने को मिली कि सिर्फ तनिष्क की ज्वेलरी ही यहाँ पर नहीं एक्सचेंज होती है, बल्कि जो अगर बाहर का गोल्ड मैंने कहीं और से परचेज किया है तो उसको भी ला करके यहाँ पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सो मैं यही कह रहा था ना, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जब हम लोग चाहते हुए भी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, कभी हमारे पास पैसे होते हैं कभी नहीं होते, बाकी जो EMI चल रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जब हम चाहते हैं तो किसी के लिए कुछ प्रेजेंट नहीं ले सकते। तो ऐसे में तनिष्क में मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स चलती हैं। गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम है जिसमें कि आप थोड़ा थोड़ा एक अमाउंट जमा करके और जब 10 मंथ तक आप जमा कर सकते हैं और उसके बाद उससे एक बड़ा परचेज कर सकते हैं आफ्टर 13 मंथ। अगर आप 11 मंथ में शॉपिंग करते हैं तो उसका आपको 55% आपके एक इंस्टॉलमेंट का, मतलब आप 1,05,500 की शॉपिंग कर पाएंगे। मिनिमम 2,000 से, मिनिमम 2,000 से मैं हर मंथ 2,000 रुपये चाहूँ तो रख सकता हूँ। जी सर, और उसके बाद फिर जैसे 10 महीने कंप्लीट हो जाते हैं 11, 12, 13। तो आप लोगों ने देख लिया ना क्या क्या चीज़ें हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन तो चलते रहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं,
लेकिन वेडिंग का जो सीजन होता है ना वो सबसे बूम करता है, और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ज्वेलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। हमारे पास वेडिंग का सर देख सकते हैं आप कलेक्शन, जिसमें 7-8 अलग अलग तरह के पीसेस आते हैं, जो कि स्टार्ट होता है आपका 50 ग्राम्स से। 50 ग्राम्स जी सर, जिसमें कि आपका टीका हो गया, ढोलना हो गया, नेकलेस हो गया, इयररिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया। मतलब ये पूरा ट्रे जो आपने मेरे सामने रखे, ये पूरा वेडिंग का कलेक्शन है। कहीं पे भी जाते हैं ना तो कस्टमर फीडबैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे साथ मैम हाय कर दीजिएगा। मैम आप तनिष्क में कितने दिनों से शॉपिंग कर रही हैं? 5 साल से। 5 साल में आपने क्या मतलब क्या देखा है कि मतलब बाहर से कहीं से सोना खरीदना और तनिष्क खरीदने में आपको क्या अंतर है? बाहर के सोने और यहाँ का जो सोना है दोनों में हम लोग को फर्क दिखाता है। यहाँ का सोना में शाइनिंग वगैरह जो है काफ़ी मैंने अच्छा है, और सर्विस भी अच्छे हैं। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ये वाला स्टोर अच्छे हैं सर। इस स्टोर पे आप कब से आए? क्योंकि मैं कंकरबाग की ही हूँ, यहीं से हम शॉपिंग करते हैं। सब लोग यहीं से परचेज करते हैं आप लोग? जी हाँ, फैमिली लोग काफ़ी टाइम से यहाँ से परचेज करते हैं, तो हम लोगों ने शुरू किया। हो चुका है हमारा, और जो सरप्राइज था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ना कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पार्किंग की टेंशन नहीं है। पार्किंग फुल टू है, पटना में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बस मज़ा आ गया भाई, अभी यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं सीधे घर पर। ये रहा उनका सरप्राइज जो यहाँ पर बेड पर रखा है। मैं सोच रहा था कि आपको अनबॉक्स करके दिखाऊँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जिसके लिए आया है वही अनबॉक्स करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तनिष्क का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही अच्छा था यार, बहुत ज़बरदस्त था। काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है उनके पास, और बहुत बड़ा रेंज भी है। तो अगर आपको भी मौका बैठ यार, ये हमेशा ही भोगते रहते हैं, पता नहीं। तो मैं बोल रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पता क्या है, मैं तो अपने लिए शॉपिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो जो छठ पूजा के लिए जो सोने का सूप था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया यार। सीरियसली आप लोग भी बाई कर सकते हो, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो यहाँ पर बाई करने के लिए बहुत कुछ है, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड में क्यों ना करें। चलिए फिर आपका भाई साहब मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेरे लिए भी दुआ करिएगा।